महाराष्ट्र का एक युवा जो 6 महीने पहले खेती के बारे में कुछ नहीं जानता था, आज विदेशों में हल्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान इस युवा की नौकरी चली गई। कोरोना के डर से पूरा परिवार मुंबई से अपने गांव चला गया। खेती में आज वो इतना खुश है कि अब कभी वापस लौटकर नौकरी नहीं करना चाहता। विराज मोरे की दुनिया कोरोना ने पूरी तरह बदल दी और विराज इस बदलाव से खुश है। लॉकडाउन से पहले विराज मुंबई में नौकरी करते थे। लॉकडाउन में इनकी नौकरी चली गई। वैसे विराज का परिवार मुंबई में ही रहता है। मार्च अप्रैल में शहर में सब कुछ ठप पड़ा था। ऐसे में विराज के पूरे परिवार ने अपने गाँव का रुख किया। रत्नागिरी के दापोली में विराज का गाँव देगांव है। विराज ने ठाना कि उन्हें अपनी जमीन से जुड़कर कुछ करना है। कोविड-19 चे केसेस जास्त वाढल्यामुळे आम्ही येऊन जाऊन होतो आणि या लॉकडाऊनच्या 2-3 महिन्याच्या पिरियड मध्ये आम्ही इकडेच राहिलेलो गावाला आणि गावाकडची आमचं आकर्षण इकडे वाढलं। इकडची कामं पद्धती सगळी शिकून घेतली आम्ही ह्या 3 महिन्यात। बघितलं की आमच्या पिताश्रीने लास्ट 20 वर्षांपासून काय श्रम आणि काय मेहनत केली आहे ती आम्हाला कळाली आणि त्याचं उत्पन्न कसं असतं काय असतं ते पण सगळं शिकून घेतलं आणि पारंपरिक पद्धती पण आम्ही शिकून घेतली। विराज के पिता के भाई उनके हिस्से की पुश्तैनी जमीन को संभाल रहे थे। विराज के पिता के हिस्से में गांव में करीब 2.5 एकड़ खेती है। विराज ने इसे अपने हाथ में ले लिया और पारंपरिक खेती की जगह यहाँ हल्दी, काजू, नींबू आदि उगाना शुरू कर दिया। विराज जो कुछ समय पहले बेरोजगार हो गए थे, आज अपने गांव के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इनकी तैयार की गई हल्दी विदेशों में एक्सपोर्ट हो रही है। दुबई, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से विराज को ऑर्डर मिल रहे हैं। कोरोना काल में हल्दी के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण के कारण इसकी मांग दुनिया भर में बढ़ गई है। आमचा उद्देश्य असा आहे की आम्ही नवीन पद्धती वापरू ह्याचा आउटपुट हळदी, जसं आपण हळदीच्या मध्ये उभे आहोत, या हळदीला डिमांड US, UK, कॅनडा आणि दुबईलाही खूप आहे, जिकडे आम्ही आताही पुरवतो आहे। आणि आमचा उद्देश असा आहे की ट्रॅक्टर आणि नवीन मशीनरी आणि नवीन पद्धती वापरून हळद वाढवावी आणि ह्याचा एक्सपोर्टही वाढवावा, कारण की या हळदीला डिमांड खूप आहे। विराज मोरे खेती के काम से सुखी भी है और संतुष्ट भी। मुंबई में विराज निजी नौकरी में 12-12 घंटे मेहनत करने के बाद 15,000 रुपए महीने ही कमा पाते थे। खेती में भी मेहनत है, लेकिन यहाँ शुद्ध ताजा हवा के साथ साथ आमदनी भी ज्यादा हो रही है। विराज के परिवार को भी अपने बेटे की सफलता पर गर्व है। रत्नागिरी से मुजामिल जताबकर के साथ आज तक ब्यूरो।